और बुलेटिन में तमाम खबरों का रुख करें उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं शिमला, जहां पर सीएम सुक्खू इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपनी सरकार के 100 दिनों का लेखा जोखा वो जनता के सामने पेश कर रहे हैं। गौरव जी, देखिए वीआईपी कल्चर को कम करने के लिए यूनिफॉर्मिटी लाई। आम आदमी और वीआईपी एक ही यूनिफॉर्मिटी में आ गया, जैसे कि हिमाचल सदन हिमाचल भवन में एक यूनिफॉर्मिटी ला दी। दूसरा कि हम अपने एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाना है और खर्चों को भी कम करना है। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में गए और हमने पहला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खर्चे कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल में चेंज किया। और ये जो पॉलिसीज हम लेके आए हैं ये खर्चे कम करने के लिए और एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बनाना है और इकोनॉमी में पैसा लाना है। तो इस दृष्टि से हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जाकर और नई हाइड्रो पे जाकर सोलर में जाकर अपने खर्चों को अभी पहले खर्च करेंगे फिर उसको कम करेंगे। धन्यवाद। ऐसा है, देखो इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक दृष्टि होती है कि ये राजनीति की आदमी और इस दृष्टि है, हमें खर्चा भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम जमा ही करते रहे तो इकोनॉमी नहीं ग्रो होगी। इसलिए आप जितना ज्यादा खर्चा करवाने में समर्थ होंगे उतना अच्छा होता है। गाड़ियां ये छोटी बात है, इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद। आपने शुरू में बात की थी कांग्रेस की अनदेखी हो रही है, आपने काफी फोकस किया टूरिज्म कैपिटल बनाया जा रहा है। एक बात, अभी राजस्थान में 19 जिले बनाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ये बात की कि नए जिले बनेंगे, कांगड़ा पर होती है, कांगड़ा के नए जिले बनेंगे या मंडी के बनेंगे या शिमला में बनेंगे, इससे अभी तो हमारा बिल्कुल फोकस इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। और अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए 4 साल मिलेंगे, जिसका सुखद अनुभव आप सब लोग भी करेंगे, हम ही नहीं करेंगे, आप लोग भी करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि अभी हम अर्थव्यवस्था में ध्यान दे रहे हैं, आपके भी कुछ सुझाव अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जरूर दीजिए, अभी हम उनको भी अमलीजामा पहनाएंगे। अभी सिर्फ फोकस हिमाचल कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो, जो पिछली गवर्नेंस पिछली सरकारों की रही है पिछली सरकार की रही है वो बिल्कुल नहीं है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, इस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। और हमने जहां देखा कि अभी विधायक निधि जो विधायक बैठे हैं उन पर हमने थोड़ा कंट्रोल किया, क्यों किया कि हम उसका पैसा थोड़ा सा कहां यूटिलाइज कर सकते, 10 दिन भी कोई पैसे को हम दूसरी जगह यूटिलाइज कर दे वो इकोनॉमी को डेवलप करता है। और सीएम सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इस वक्त लाइव देख रहे थे, जहां मीडिया कर्मियों के सवालों का वह जवाब दे रहे थे किस तरीके से बजट में योजनाओं को लेकर प्रावधान किए गए हैं और अपने 100 दिनों का लेखा जोखा वो इस वक्त पेश कर रहे थे। मैं सुप्रीतर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं भी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार न्याय करूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे, जहां चिट्टी सिंह पुरा नरसिंहार की आज बरसी है। पीड़ितों को आज भी न्याय का इंतजार है। वर्ष 2000 में आज ही के दिन अज्ञात बंदूकधारियों ने 35 सिखों का नरसंहार कर दिया था। नरसंहार में शामिल दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा देने की पीड़ित आज भी मांग कर रहे हैं। पंजाब के सामने लिया दिता गया है, इस खून में सारी कौम भी बहती है,
और मुदस्सर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मुदस्सर, 20 मार्च 2000 का वो वाकया था जब 35 सिखों का नरसंहार कर दिया गया था, और सबसे बड़ी बात ये कि इतने सालों बाद आज भी लोग इंसाफ की गुहार इस पूरे मसले पर लगा रहे हैं। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारियां इस पूरे मामले पर मिल पाई हैं मुदस्सर? बिल्कुल जासमीन, हम जो इस वक्त बिल्कुल जो गुरुद्वारा सिंह सभा जो है छिटी सिंहपुरा, और बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये कत्लेआम किया गया था, जहां पर मैसेकर किया गया था। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे अब भी वो गोलियों के निशान है, और ये वो जगह है जहां पर लगभग 18 जो निहत्ते सिख थे उनको यहाँ पर जमा कर दिया गया, और उनको उन पर फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, और जिसके नतीजे में वो 18 के 18 जो है वो उस वक्त जांबाक हो गए। और इसके बाद जो मजीद 17 लोग थे वो दूसरा जो गुरुद्वारा साहब है यहाँ पर, तो वहां पर उनको जमा किया गया और वहां पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई उन पर, और कुल मिलाकर 35 सिख जो है वो कत्ल हुए थे इस सानहे में। और आज भी जिस तरह से आपने कहा कि 23 बरस गुजर गए, यानी कि 23rd ईयर है आज जो एनिवर्सरी है, तो 23 बरसों में अब तक है कोई भी जो कातिल उसमें मुलव्वस थे किसी को पकड़ा नहीं गया, और सरकार ने भी ये फाइल जो है वो कुछ साल कबल बंद कर दी है ये कहकर कि जो इसमें मुलव्वस अफराद थे वो अनआइडेंटिफाइड थे। और आज भी ये लोग जो है गुहार लगा रहे हैं सरकार से, इंसाफ के मुंतजर है, और इनका ये मानना है कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन जो है उनको आइडेंटिफाई अभी तक क्यों नहीं किया गया, और सरकार बार बार इस टर्म को क्यों यूज कर रही थी कि जो इसमें मुलव्वस थे इस सानहे में वो अनआइडेंटिफाइड क्यों रहे। हालांकि जो सरकार उस वक्त थी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो कमीशन एक बिठाया गया इस पर जो इसकी तहकीकात करता है, जस्टिस मांडियन कमीशन, लेकिन अभी तक जो है उसका भी कुछ हासिल नहीं हो पाया, और बिल आखिर सरकार ने वो फाइल ही बंद कर दी। लेकिन ये लोग जो है आज भी इंसाफ के मुंतजर है, इन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन इनको इंसाफ जरूर मिलेगा। और आज हर साल की तरह यहाँ पर बरसी मनाई जा रही है और शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, और उसके अलावा जो यहाँ पर शहीदी यादगार है उसका भी स्थापन किया गया है यहाँ पर। तो बराह रास्त तौर पर हम इनसे बात करेंगे, ज्ञानी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। यानी जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये एक सानिया पेश आया था, पूरा गांव लरज उठा था, और होली का त्यौहार था उस वक्त, बताइए क्या हुआ था, और आज के दौर में जब आप 23 बरस गुजर गए हैं और आज भी आप इंसाफ की तलाश में? इससे सानिया के बारे में आपको भी पूरा पता है, 20 मार्च 2000 को हुआ है जब इस दीवार के साथ 19 को खड़ा किया गया था, और पार हमारे गुरुद्वारा साहब है शौकीन वाला, वहाँ 17 को खड़ा कर दिया गया, एक फायर हुआ पहले, उसके बाद अंधाधुंध गोलियां फायरिंग अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, और एक एक के बॉडी में कम से कम 50-50, 60-60 फायर आए थे। बड़ी बेरहमी से हम लोगों को कत्ल किया गया, हम बेगुनाह थे। हम 23 साल से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह बाकी के जितने भी कत्लेआम हुए हैं उनकी तहकीकात हो गई है, वो सारा मंजरेआम पर आ चुका है, लेकिन हमारा ये जो हम मायनाटी में है यहाँ छिटी सिंहपुरा के लोग जो हैं वो आज 23 सालों से मांग कर रहे हैं कि हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि इस सानिया की तहकीकात होनी चाहिए। अगर तहकीकात नहीं हो रही है, हमारे दिल जो है वो तजज्जुब में है, हमारे अंदर एक शक पैदा होता है, और सरकार पर भी फिर ये सरकार को भी शक की नजर से देखा जाता है कि सरकार इसमें डील क्यों करती है, वो इसमें मतलब सोई हुई क्यों है, उनको चाहिए भाई इसकी तरफ फौरन अपनी तवज्जो बरकूज करे सरकार, और जो ये कातिल है छिटी सिंहपुरा के कातिल जो है उनको मंजरेआम पर लाया जाए। सच्चाई छुप नहीं सकती है, कोई जितना भी चाहे सच्चाई को छुपाने की कोशिश करे ये नहीं छुपेगी, क्योंकि सच्चाई जो है वो अटल है, एक दिन सामने आ जाएगी। अगर इस सानिया की तहकीकात नहीं हुई तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब हम तमाम लोग, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सड़कों पर आ जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, क्यों कि हम तजज्जुब में हैं कि हमारे बेगुनाह 35 सरदार क्यों यहां मारे गए। आरपी सिंह साहब, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह आप जानते हो कि पिछले 23 सालों से हम इस याद को मनाते आ रहे हैं, और वो शहीद हमारे दिलों में आज भी ताजा है और वो हमेशा ताजा रहेंगे। 20 मार्च की जो काली रात हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, जब हमारे निर्दोष निहत्ते सिखों को दो कतारों में खड़ा करके एक गुरुद्वारा शौकीन मोहल्ला के पास, और हमारे यहाँ से गुरुद्वारा सिंह सभा समुद्री हाल के बाहर जब गुरुद्वारे से निकल ही रहे थे कि कतार में खड़ा करके उनको 0 पॉइंट से गोलियों से भून दिया गया। और आज क्या मांग रहेगी आपकी? देखिए, कांड से पहले जो हालत थी हमारे, मुझे लग रहा है कि कांड हमारा जो कतलेआम हुआ है उसके बाद भी हालत हमारी बिगड़ी ही है, क्योंकि देखिए, एक तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है इंक्वायरी का,
अगर कहीं दो चार बंदों का कत्ल भी होता है या एक मिनिस्टर या एमएलए का कत्ल भी हो जाए उसकी इंक्वायरी 24 घंटे में मंजरेआम पे आ जाती है। पर बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि आज 23 साल होने के बाद भी सरकारें ये नहीं बता पाई कि ये इसके पीछे किसका हाथ है। जिस तरह आपने पहले ही कह दिया कि जस्टिस पांडियन कमीशन, पहले तो मुझे शर्म आती है सरकारों पे, क्योंकि अगर कहीं पे 4 या 5 बंदों का कत्लेआम किया जाता है तो चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट उसके लिए उसकी तहकीकात बिठाई जाती है। और जहां 35,000 माइनॉरिटी कम्युनिटी के निहत्ते निर्दोष मारे जाते हैं, उनका एक रिटायर्ड जुडिशरी मजिस्ट्रेट पांडियन कमीशन के हाथ दिया जाता है। और 2009 में, क्योंकि आपको पता है मैं इस चीज के पीछे लगा रहा हूँ और लगा रहूंगा, आरटीआई मैंने बहुत सारे किए, वहां पे एक चीज सामने आई कि 2009 से पहले हम जिस उम्मीद से जी रहे हैं कि सरकारें इसके पीछे लगी है, इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी की फाइल को बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं वो सरकार के दफातरों में गर्दा खा रही है। और सरकारें ये ना भूल जाए, क्योंकि खालसा वो कौम है, आपने सुना होगा 84 के रिजॉर्ट्स। अब क्या डिमांड रहेगी आज की डिमांड में? आज के दिन हम ये चीज बोलना चाहते हैं सरकारों को कि अगर टाइम बाउंड इंक्वायरी में आते समय एक टाइम बाउंड इंक्वायरी करके हमें ये इस चीज की इंक्वायरी नहीं की गई तो ये शक की सुई जो है सरकारों पे जाके घूमती नजर आएगी कि कहीं ना कहीं अगर सरकारें इस चीज को बंद करती हैं तो ठीक है, फिर हमें लगता है कि सरकारों का ही किया हुआ करा धरा सारा। तो बिल्कुल जासमीन, आप देख सकती हैं कि किस तरह से ये लोग जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए। हालांकि माजी में भी मांग रही है कि सीबीआई इंक्वायरी इस पे बिठाई जाए, लेकिन अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ है। सीबीआई के सुपर भी ये केस नहीं किया गया और आज जिस तरह से ये लोग जो है रोष में दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें उम्मीद है, इन्होंने उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ा है। और ये इनका ये कहना है कि हम हर इंसाफ का वो हर दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है जहां से इनको इंसाफ मिल सके। जी जासमीन, बिल्कुल मुदस्सिर। और माजी में इल्ज़ाम ये भी लगते रहे हैं कि जो जांच कमेटी बनाई गई थी, जो सैंपल्स जांच के लिए लिए गए थे, उनमें भी कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई थी, वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ छेड़छाड़ उन जांच सैंपल्स के साथ भी हुई थी। इस तरीके की कई बातें इस पूरे मसले को लेकर सामने आ चुकी हैं, लेकिन मौजूदा समय में जांच की मांग आज भी ये लोग कर रहे हैं और किस तरीके से इस पूरे मसले पर जांच आगे बढ़ेगी, नजर आप बना के रखिए। मुदस्सिर, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की पकड़ से दूर है। इस बीच पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अमृतपाल अभी भी फरार है। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, इतनी पुलिस के बावजूद वो फरार होने में कैसे कामयाब हो गया। इस पर पंजाब पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अमृतपाल पर NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी उमेश का ज्यादा जानकारियों के साथ। इसी खबर पर जुड़े हुए हैं उमेश। सवाल तो कहीं ना कहीं वाजिब है हाईकोर्ट का कि इतनी पुलिस की मुस्तैदी थी, इस तरीके से चप्पे चप्पे पर छानबीन हो रही थी और पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल बड़ी ही आसानी से फरार हो गया है। इस पर पुलिस ने भी बयान दिया है, NSA के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कुछ अभी ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं, कैसी स्थिति पूरे पंजाब में नजर आ रही है? देखिए, जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, हाईकोर्ट ने जब पंजाब सरकार से जरूर सवाल किए और कहा कि इतनी पुलिस फोर्स है, जब उसके बाकी साथी पकड़े गए तो अमृतपाल कैसे फरार हुआ और ये आपकी पुलिस क्या कर रही थी, इस पर पंजाब के जो AG एडवोकेट जनरल विनोद गई, उन्होंने कहा कि देखिए, हम एक हर स्टेप पर नजर बनाए हुए हैं और जहां तक उसके पकड़ने की बात है, फरारी की बात है, हमारी पूरी नजर है, लेकिन पकड़ा क्यों नहीं गया या अभी तक कहां पे है, तो इस बारे में कोर्ट को अभी हम कई ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट में हम ओपन में नहीं बता सकते, कई तथ्य ऐसे हैं जो सबके सामने ओपन कोर्ट में हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस सवाल पर भी AG ने हालांकि थोड़ी सी आपत्ति जताई, जब ने कहा कि ये जो स्टोरी है, तो एडवोकेट जनरल का कहना था कि कोई स्टोरी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करना है और सभी पूरे पंजाब में शांति बनी रहे उस तरह से भी चलना है और अपने स्टेप्स भी लेने हैं। और जहां तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात है, तो जाहिर सी बात है जब उसके साथियों पर लगा है तो साफ कह जाएगा कि NSA डिटेंशन जो ऑर्डर है वो अमृतपाल पर भी वो एक्ट लगाया गया है और जैसे ही जल्दी ही गिरफ्तार जो पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है। अब 28 मार्च को अगली सुनवाई होगी, डिटेल एफिडेविट जो है पंजाब सरकार को देना होगा। और एक और मैं इसमें आपके साझा करना चाहूंगा दर्शकों से कि अमृतपाल के पिता अभी कोर्ट में मौजूद थे और अमृतपाल के वकील ने जब कोर्ट को बताया कि अमृतपाल के पिता कोर्ट में मौजूद हैं, तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि देखिए, ना तो ये इन्होंने पिटीशन डाली है, ना इस मामले में पार्टियां, तो हम इन्हें क्यों सुने।
इनको कह दीजिए कि पीछे जाके बैठ जाएं। तो अमृतपाल के पिता कोर्ट में आए, लेकिन उनको ना तो कहा गया कि आप पीछे बैठ जाइए, क्योंकि कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है कि जो पार्टी नहीं है, जो पिटिशनर नहीं है, वो नहीं बोल सकता। और कोर्ट ने वही कहा कि ना तो इस मामले में पार्टी है, ना पिटिशन करता है, तो हम इन्हें क्यों सुने। सीधा था भैया कि 28 मार्च को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। जी ठीक है उमेश, 28 मार्च को इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई होगी और सुनियोजित तरीके से पंजाब पुलिस अमृतपाल को ढूंढने की पूरी कोशिशें कर रही है। नजर आप बना के रखिए उमेश, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 जेकेएलएच के साथ। नमस्कार।